yapdığını. Çelen. जी बेटा आपका नाम? ये हमारी कमजोर सी बेटी है, इसकी जरा ज्यादा हौसला अफजाई कीजिएगा। क्या नाम है? जी जी बेटा आप क्या बताएंगे हमें? जैसे कि आपने बताया हेपेटाइटिस के इलाज भी आज के दौर में इसका इलाज भी मुमकिन है। सबसे पहले हेपेटाइटिस का इब्तदाई टेस्ट करवाएं। अगर आपने किसी भी किस्म का हेपेटाइटिस नहीं आता तो हेपेटाइटिस बी की फौरी वैक्सीनेशन। जी अच्छा, आपने ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि आज के लेक्चर के बाद आप हेपेटाइटिस का इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे। 100-150 रुपये में टेस्ट होता है, उससे पता चलेगा कि खुदा न खास्ता आपके ब्लड में ये वायरस मौजूद है या नहीं है, एक बात होगी। उसके बाद अगर ये बात वेरीफाई हो जाती है कि आपके खून में इसका वायरस मौजूद नहीं है तो आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्योंकि जितने भी हमने आपको हेपेटाइटिस बताए हैं 5, उनमें सिर्फ एक ही एडवांस में वैक्सीनेशन है, वो 12 महीने से 18 महीने के बच्चे को हो सकती है, और बी की वैक्सीनेशन सब करवा सकते हैं एडवांस में। अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो तब आपकी वैक्सीनेशन हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस हो गया है तो फिर शुगर की तरह सारी ज़िंदगी इसका इलाज चलता है, सारी ज़िंदगी हेपेटाइटिस बी। क्या बोला मैंने? उसके मरीज को सारी ज़िंदगी ऑन बोर्ड रहना पड़ता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट के। खुदा ना खास्ता कभी भी उसका वायरस रिएक्टिव होके उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये आज के लेक्चर के बाद पहला स्टेप, इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन। ए और ई की, उसमें उन्होंने जो एडवांस में कर दी ना उन्होंने कि इसमें उल्टी में खून आना या पखाने में खून आना, वो बी और सी की सिम्टम है, ए और ई की नहीं है। और ये जो साइन सिम्टम्स हमने आपको बताए ना, भूख में कमी, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द, उल्टी आना, ये ए और बी और सी की, बी और सी की अलामत 10 साल 15 साल, इवन हमने ऐसे केसेस भी देखे कि 20 साल में भी वो जाहिर नहीं होते।